रेडियल टायर्स का डिसएडवांटेज, यहाँ पे टोटल क्रैक चली गई है, होल टायर में ऐसी क्रैक है। टायर के साथ क्या कर रहा हूँ, सो फॉर दैट फर्स्ट लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स, दिस इज सागर, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ, आवर चैनल नेम। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस टायर एंड आई हैव वन मोर टू। कहाँ है, हियर इट इज। सो दिस बोथ टायर्स आर गोइंग टू फिट ऑन माय जिक्सर SF। सो इट्स ऑलमोस्ट 3.5 years पास, अराउंड 4 साल होने आए मैंने जिक्सर के टायर के ऊपर स्टॉक टायर से है। बाइक अराउंड चल चुकी है 22,000 kilometers। तो आप यहाँ पे बोलेंगे 3-4 साल होने आए और सिर्फ 22,000। सो भाई बात ऐसी है, लास्ट ईयर हमने परचेस की है RR310 और जब से आ गई है हमने बड़े राइड्स करना ऑन जिक्सर बंद कर दिया है। हम लास्ट एक साल से क्या कर रहे हैं, For city rides, I am using Jixer, and for highway ridings, touring, I am using RR310. So due to that, Jixer के kilometers थोड़े कम हो चुके हैं। So अभी बता देता हूँ ये कौन से टायर से और मैंने क्यों चूज़ किए। So ये जो फ्रंट टायर जाने वाला है वो है C8 Zoom Plus F 100/80 R17 ratio। It is same ratio tire which I am going to install Jixer. So इसको बाजू में रख देता हूँ। और ये है रियर टायर विच इज C8 Zoom XL 140/70/R17। तो आप बोलोगे स्टॉक टायर की रेटिंग्स तो है 140/60। हाँ, यहाँ पे आई एम गोइंग टू अपग्रेड 140/70 itself। द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज नॉट रेडियल टायर। रेडियल टायर का आफ्टर सर्टन ईयर्स क्या हालत हो जाती है आपको इस वीडियो के आगे पता ही चलेगा। मेरे स्टॉक MRF टायर की हालत दिखा दूंगा आपको क्या हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आई प्रीफर नॉन रेडियल टायर, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइड द बाइक इन सिटी ओनली, नॉट ऑन हाईवे राइड्स, नॉट ऑन लीनिंग एंड ऑल दिस थिंग। उसके लिए अपने मिशेलिन पायलट स्टिक RR310 के ऊपर है। सो लीनिंग और कॉर्नरिंग RR310 पे करेंगे। आई हैव ऑर्डर्ड दिस टायर्स फ्रॉम Amazon itself। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑर्डरिंग टायर्स थ्रू ऑनलाइन, बिकॉज लोकल एरिया में इंक्वायरी की तो वहाँ पे इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे, अराउंड 3,200, 3,400, 3,500। और अभी जस्ट रिपब्लिक डे सेल था अमेजोन के ऊपर, सो मुझे टायर मिला 2,495 समथिंग एंड द फ्रंट टायर मिला जो C8 Zoom Plus F है वो 1570 में, और उसके ऊपर 10% डेबिट कार्ड का कैशबैक भी अप्लीकेबल है। सो ओवरऑल ये डील मुझे बहुत अच्छी पड़ी। और एक चीज़ है, जस्ट वेट, लेट मी टेक दिस। ऑल्सो दिस वन इज सीलन टायर पंचर लिक्विड। आप लोगों को तो पता ही है ऑन RR310 आई ऑलरेडी इंस्टॉल टायर पंचर लिक्विड, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था। तो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में वो लिंक आ जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो जब मैंने जिक्सर ली थी उस वक्त भी सर्विस सेंटर वाले ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप टायर पंचर लिक्विड यूज़ कर सकते हो। सो मैंने उस टाइम अराउंड 700 rupees में लिक्विड डाला था। अभी उस चीज़ को मैंने जैसे बता दिया 4 साल हो गए, अभी भी टायर के अंदर वो लिक्विड प्रेजेंट है। अभी जस्ट लास्ट 2 weeks बिफोर आई हैव फाउंड अ स्मॉल नेल ऑन माय रियर टायर ऑफ जिक्सर। सो उसको रिमूव करके मैंने आई जस्ट थॉट, बिकॉज उसके पहले तो कुछ कभी पंचर नहीं हुए थे फ्रंट और रियर टायर में, आई जस्ट थॉट कि 3 साल हो गए अभी तो वो पंचर लिक्विड काम नहीं करेगा। सो जैसे मैंने नेल रिमूव कर दिया हवा निकलना चालू होगी और जो टायर पंपेयर वाला शॉप था थोड़ी दूर था, बाइक स्टार्ट कर दी, बाइक चलाते वहाँ पे लेके गया और व्हाट आई फाउंड इज शॉकिंग। जब मैं वहाँ पे उतरा तो टायर की सिर्फ हवा कम हो चुकी थी और जो एरिया था वहाँ पे नेल घुसी थी उस एरिया से हवा बाहर आने का टोटली बंद हो चुकी थी। दैट मीन दिस लिक्विड्स वर्क मोर देन 3.5 years। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट कंटिन्यू टू यूज द सेम लिक्विड। सो ये लिक्विड भी मैंने अमेजोन के ऊपर से परचेस किया है, इट कॉस्टेड मी अराउंड 950 rupees। इट इज 800 ml। सो आगे के टायर में जाएगा 300 ml एंड पीछे के टायर में जाएगा 450 ml। इफ यू गाइज वॉन्ट टू बाय दिस
दिस बोथ टायर्स, द लिंक विल बी ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अभी क्या करते हैं, टायर के ऊपर का रैप रिमूव कर देता हूँ एंड वी विल गो टू टायर पंक्चर शॉप, बिकॉज फर्स्टली आई थॉट मैं खुद ही इंस्टॉल कर दूँ, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड आई हैव अदर ऑफिस वर्क टू, आई हैव टू गो टू अ पंक्चर गाय। एक चीज है, जब भी हम सोचते हैं कि वी विल परचेज अ टायर ऑन ऑनलाइन, बट माइंड में एक ही चीज आती है कि यार ऑनलाइन टायर परचेज करें, वी डोंट नो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होगी एंड ऑल दिस थिंग्स, कैसे होगा टायर। बट द टायर विच आई गॉट, विच इज वेरी फ्रेश वन, इट इज द लास्ट ईयर ओनली, लेट मी शो यू द सेम। सो ये है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट, विच इज शोइंग 52/18। सो 52 इज द वीक एंड 18 इज द 2018 द ईयर। सो 52 जब मैंने कैलकुलेट किया, इट्स कम्स इन थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर और आज है January 31st, 2019। सो इट्स ओनली अराउंड 1 month ओल्ड टायर एंड द प्राइज विच आई गॉट दिस टायर इज वेरी गुड डील फॉर मी एज कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टोर्स। जूम एक्सेल 140/70। सो वो था हमारा रियर टायर, और जो फ्रंट टायर है उसकी मैन्युफैक्चर डेट आप देख सकते हैं 50/2018, दैट इन 50th week 2018। ये फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर आता है और वो थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर आ जाता है 2018। सो लेट मी शो यू इस लिक्विड के साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो ये जो मेन बॉटल रहती है वो है, उसके साथ इंस्टॉलेशन पेपर है और हमें दिया जाता है वॉल ओपनर, which I don't think any tire puncture liquid provider gives us, so it is very good for us to have wall opener. These are the all details of this liquid, how to use, and यहाँ पे दिया गया है instruction, so you can pause this screen and have a look at it. Also they have provided the warranty card, I will keep it aside, and this is the bottle. So यहाँ पे एक pipe दिया हुआ है, sticker से ऐसे, so wall open करके हमें ये पाइप डायरेक्टली उसके अंदर कनेक्ट करना है, यहाँ से पुश करके जाना है, तो यहाँ पे पूरा लिक्विड बाहर आ जाएगा। और इस बॉटल के इस साइड एरिया में यहाँ पे एम एल्स की क्वांटिटी दी गई है, टोटल कितना एम एल की बॉटल है, तो हमें 450 रियर टायर में डालना है और 300 एम एल पीछे के टायर डालना है, तो ये लाइन्स हमें परफेक्टली गाइड कर देगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टायर की हालत, सब क्रैक्स आ चुके हैं टायर के ऊपर, ईच एंड एवरी एंगल में क्रैक्स है। सो दैट्स वाई चूज नॉट टू यूज दिस टायर एनी मोर। देखिए हर एक एंगल के ऊपर आपको क्रैक्स मिलेंगे, और वैसे भी रेडियल टायर्स का डिसएडवांटेज, यहाँ पे टोटल क्रैक चली गई है, होल टायर में ऐसी क्रैक है, तो दैट्स वाई आई डोंट चूज रेडियल टायर एनी मोर। आगे का टायर बहुत अच्छी कंडीशन में है एज कम्पेयर टू पीछे के टायर से, यहाँ पे कोई क्रैक्स वगैरह ऐसे नहीं गई है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए रबर की जो क्वालिटी है वो धीरे 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 ख़राब होते जा रही है। फ्रंट साइड से दिखा देता हूँ, लाइफ तो और भी है इस टायर के अंदर, बट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, एक साथ आगे और पीछे का दोनों टायर चेंज कर लेते हैं। सो बाइक इज नाउ एट पंचर शॉप, so front tire has been removed and it's here, avoid that tire, it is only for load balancing. So friends, you can see the liquid, the tire puncture liquid which is installed on 3 years ago. Friends, let me show you the liquid. Time to put new tire. Now we will put
300 ml. This is the front tire, so we put 300 ml in this front tire. Let me show you how to put it. Kind of seal inside the rubber cap. Make sure you shake the bottle well before installing it. So we are putting air now. You can see it's 500 ml left in the bottle, in which 450 will goes in rear tire and 300 in this tire. So now after installing this, we have to ride a bike about 2 km with the speed of 40 to 30, so whole this liquid will spread up properly inside tire. Comparison. This one is the CH Zoom Plus F and this one is the MRF Reus. Nayi dulhan, purani dulhan. So new tire has been fitted. Air check whether the tire is leak or not before putting the liquid. Old beauty, new beauty. Size difference can be easily seen. 140-60, 140-70. Feeling of the air. At this crack of old tire. This is the reason I'm not going for radial tires. Every radial tires will face this problem after a couple of years. So friends, both the new tires has been installed. अब चला के देखेंगे क्या कमाल है 140-70 का. New beauty. Looks like I'm going to have amazing grip on the road. Let's see front. तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट बाइक अराउंड 5 किलोमीटर राइड करके चला ली. फर्स्ट इंप्रेशन बताता हूँ उस दोनों टायर का. स्पीड ब्रेकर के ऊपर भी चला के देख लिया. नॉर्मली जब भी मैं स्पीड ब्रेकर पर राइड करता हूँ, ये जो एरिया है स्पीड ब्रेकर को ज़ोर से बाउंस होता है, बट आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस वन कुछ इशू नहीं है, परफेक्ट है. जैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं RR310 चला रहा हूँ. ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़ गया है और 60 का 70 टायर डालने के बाद मुझे कुछ तकलीफ नहीं. आई जस्ट थॉट कि यहाँ पे टच होगा या यहाँ पे अंदर लगेगा, बट कुछ डिफरेंस नहीं है. टायर परफेक्टली बैठ रहा है. लेट मी शो यू बाय रोटेटिंग इन बाय हैंड. ये देख लीजिए, टायर किधर भी टच नहीं हो रहा. फर्स्ट टायर के ऊपर मुझको इतना कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, बट सेकेंड टायर पे हाइट तो इंक्रीज हुई है और जब पॉट होल्स में जा रहा हूँ तो कंफर्ट महसूस हो रहा है. जस्ट हार्डनेस फील हो रही है जो MRF के रेडियल टायर में मुझे नहीं मिल रही थी. सो अभी देखते हैं टायर बाइक चला के इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस महसूस हुए, कॉन्स या प्रोज, आई विल डेफिनेटली शेयर इन माय फ्यूचर वीडियो. सो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो. आई हैव कवर ईच एंड एवरीथिंग बाय अनरैपिंग द टायर, बाय इंस्टॉलिंग द टायर्स ऑन बाइक विद इनपुटिंग puncture liquid. If you guys like this video, don't forget to hit that like button, share it with your friend or any of the forum if you want. If you still haven't subscribed to my channel, then I will suggest you please do subscribe. So this is Sagar signing off. Bye bye. Also, one thing I noticed while taking bike from stand, झट से उतर जाती है. नॉर्मली झट से उतरते नहीं थी, ऐसा खटक करके आवाज आता था, स्टैंड का भी साउंड आता था, वो अभी नहीं आता है. बाइक रिमूविंग फ्रॉम स्टैंड इज बिकम वेरी इजी.